Welcome back, children, to my channel. Today we are going to start yet another interesting story, class 5th, a robbery. Robbery means chori. Now, can you see all these pictures on the screen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Now, can you identify? Kya pehchan sakte hain ye kaun si pics hain? Can you be a detective? Detective means jasus. Can you see this picture? पिक्चर नंबर वन, आपको क्या दिख रहा है? ये क्या हो सकता है? दीज आर पेंसिल्स. सेकेंड पिक, कैन यू आइडेंटिफाई? दिस इज अनियन. थ्री, दिस इज आइसक्रीम. फोर, दिस इज कॉलीफ्लावर. फिफ्थ, दिस इज स्ट्रॉबेरी. सिक्स्थ, दिस इज वूल. सेवेंथ, दिस इज ऑरेंज. देन स्नेक, एंड द लास्ट इज शेल. सो आपके पास फुल पिक्चर नहीं थी, बट पिक्चर का एक छोटा सा पार्ट देखकर आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आप पहचान सकते हैं ये पिक्चर क्या है. सो दिस इज द वर्क डन बाय द डिटेक्टिव्स. जो जासूस होते हैं वो छोटा सा एक क्लू लेकर आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि वो क्या है. तो जो हमारी ये स्टोरी है अ रॉबरी, इसके अंदर हम यही पढ़ने वाले हैं कैसे एक चोर को पुलिस पकड़ती है. So, let us now start with it. Vasant colony was shocked. A house in the colony had been burgled. Mr. Sharma and his family had gone to attend a wedding. When they came back around midnight, their house was in a mess. All their jewelry and cash had been stolen. So, Vasant colony. Vasant colony, it is the name of a colony. A puri Vasant colony was shocked with it. क्यों शॉक में थी? क्योंकि जो मिस्टर शर्मा थे उनके घर में चोरी हो गई थी. बर्गल्ड मींस चोरी हो गई थी, रॉब्ड हो गए थे. और जो मिस्टर शर्मा और उनकी फैमिली थी वो कहीं बाहर गए हुए थे एक मैरिज के लिए. और जब वो वापस आए तो उन्होंने क्या देखा कि उनका घर पूरे मेस में था. मेस मींस सारा सामान बिखरा पड़ा था, एवरीथिंग इट वॉज इन डिसऑर्डर. उनका जितनी ज्वेलरी थी घर में और उनके जितना कैश था, मनी थी, वो सब चोरी हो गई थी. स्टोलन मींस चोरी हो गई थी. They called the police. The police searched the whole house for clues. They found some footprints in the garden. There was a shoe near the garden wall. It must have come off while the thief was climbing over the wall. Inspector Naresh asked people in the neighborhood if they had seen anyone suspicious that night. तो अब जब मिस्टर शर्मा ने देखा कि उनके घर में चोरी हो गई तो उन्होंने पुलिस को फोन किया. और जो इंस्पेक्टर नरेश है वो आए. कैन यू सी इन द पिक्चर? ये इंस्पेक्टर नरेश. अब जो पुलिस थी उनके साथ और लोग भी आए थे. उन सब ने क्या करा? पूरे घर की तलाशी ली. सर्चिंग मींस तलाश किया. फॉर क्लूज, क्लूज मींस कुछ इन्हें आइडिया मिले, कुछ उनको सुराग मिले कि कैसे कौन आया था यहाँ पर. और उन्हें क्या मिले? उन्हें कुछ फुटप्रिंट्स मिले गार्डन, और वहीं पर उन्हें एक शू भी मिला गार्डन वॉल के पास. हो सकता है वो जो जब वो चोर गार्डन की वॉल के ऊपर जा रहे थे या नीचे आ रहे थे तब उनका जो एक शू था वो नीचे गिर गया था. तो जो इंस्पेक्टर नरेश थे उन्होंने आसपास के जो नेबरहुड, जो पड़ोस में लोग रहते थे, उन सबसे पूछा कि क्या उन्होंने किसी को देखा जिसको देखकर उन्हें शक हुआ. सस्पिशियस मींस क्या उन्हें शक हुआ किसी आदमी को देखकर. मिस्टर हुसैन द नेक्स्ट डोर नेबर ऑफ द शर्मा सेड, आई हर्ड सम नॉइज एट नाइट. I looked out of my window and saw someone climbing over the garden wall. तो उनके जो पड़ोसी थे, next door neighbor मतलब जो exactly उनके पास में रहते थे मिस्टर शर्मा के, वो थे मिस्टर हुसैन. तो उन्होंने ये बताया कि हाँ, मैंने रात को कुछ शोर तो सुना था और जब मैंने अपनी विंडो से बाहर देखा तो मैंने किसी को देखा था कि वो गार्डन वॉल के ऊपर से क्लाइम कर रहा था. Did you see him properly? What was he like? asked Naresh. जो इंस्पेक्टर नरेश थे उन्होंने मिस्टर हुसैन से पूछा कि क्या आपने उन्हें ढंग से देखा था और वो कैसे देखने में लगते थे. कैन यू सी? ये इंस्पेक्टर नरेश है और ये मिस्टर हुसैन है जिनसे वो पूछ रहे. वेल, इट वॉज डार्क एंड आई कुडंट सी हिम वेरी वेल, बट आई एम श्योर इट वॉज अ मैन. ही वॉज टॉल एंड थिन, सेड मिस्टर हुसैन. तो मिस्टर हुसैन ने क्या बोला कि वैसे तो बहुत अंधेरा था, मैं उसको अच्छे से नहीं देख पाया, पर फिर भी मैं श्योर हूं कि वो एक मैन था, एक आदमी था, और वो बहुत एक लंबा और पतला आदमी था. देन द पुलिस क्वेश्चन राजू.
whose shop stood at the corner of the road. He could see the Sharma's house from his shop. फिर पुलिस कहाँ गई? राजू के पास गई. अब राजू कौन था? राजू एक दुकानदार था जिसकी एक शॉप थी रोड पे, कॉर्नर पे एक दुकान थी, और उसकी दुकान से जो शर्मास का घर था वो दिखता था. राजू सेड, आई सॉ अ मैन वॉकिंग वेरी फास्ट. ही केम फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द हाउस. ही वॉज होल्डिंग अ बैग क्लोज टू हिज चेस्ट. आई फेल्ट सस्पिशियस. आई शाउटेड एट हिम टू स्टॉप बट ही रैन अवे. तो अब राजू ने बताया कि हाँ, मैंने कल एक आदमी को देखा तो था जो बहुत तेजी से भागता हुआ मिस्टर शर्मा के घर की तरफ से आ रहा था, और उसके हाथ में एक बैग था जो उसने अपनी चेस्ट से लगा रखा था, और उसको देखकर मुझे शक हुआ. आई फेल्ट सस्पिशियस, मतलब मुझे ऐसा लगा कुछ गलत हो रहा है, और इसीलिए मैं उसके ऊपर शाउट करा, मैं उस पर चिल्लाया उसको रोकने के लिए, लेकिन वो भाग गए. व्हाट डिड ही लुक लाइक? आस्क्ड द इंस्पेक्टर. ही वॉज शॉर्ट एंड थिन. ही लुक्ड क्वाइट स्केयर्ड. He wore black trousers and a blue shirt. He had curly hair. Now can you see कि वो जो इंस्पेक्टर है वो सबसे पूछ रहे हैं. तो अब राजू ने क्या बोला? What did he look like? कि वो कैसा दिखता था? वो छोटा और थिन था, और वो बहुत डरा हुआ लग रहा था. Scared means डरा हुआ था, और उसने black pants और blue shirt पहनी हुई थी, और जो उसके बाल थे वो घुंघराले थे. Curly means curls थे, उसमें घुंघराले बाल थे. The Sharmas then told the police that Sameer, the ice cream vendor at the end of the road, might know something. He sold ice cream till late at night. अब जो शर्मास थे उन्होंने बोला इंस्पेक्टर को कि पास में जो रोड खत्म होता है वहां पर एक आइसक्रीम वेंडर है. आइसक्रीम वेंडर मीन्स जो आइसक्रीम सेल करता है, वो रात को भी आइसक्रीम सेल करता था. तो वहां पर उससे जाकर पूछ सकते हैं हम लोग कि क्या उसने किसी को देखा. द आइसक्रीम वेंडर सेड, ये आइसक्रीम वेंडर है जो आइसक्रीम सेल करता है. Yes, I saw someone suspicious. It was 11 p.m. He was a bald man with a mustache. He was walking very fast. He kept looking back. I'm sure he was the thief, he said. अब इसने क्या बोला? जो आइसक्रीम वेंडर था उसने बोला कि हाँ, मैंने रात को किसी को देखा तो था जिसको देखकर मुझे शक हुआ, और उस समय 11 o'clock हो रहे थे, 11 बज रहे थे, और वो एक ऐसा आदमी था जो बॉल्ड था. बॉल्ड मतलब जिसके सिर पे बाल नहीं थे, और उसने उसकी मूछें थी, मुस्टैच मींस मूछें थी, और वो बहुत तेजी से भाग रहा था, और वो बार बार पीछे मुड़ के देख रहा था. तो मुझे ऐसा लगता है वो ही चोर था. नाउ चिल्ड्रन, आप देख सकते हैं पुलिस ने 3 people से पूछा है. मिस्टर हुसैन से पूछा, राजू से पूछा, और ये आइसक्रीम वेंडर से पूछा. तो सबने थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंट बताया. एक ने बताया कि वो टॉल और थिन था, फिर एक ने बताया कि वो शॉर्ट और थिन था, उसने ट्राउजर्स और शर्ट पहने हुए थे, और उसके कर्ली हेयर थे. अब जो लास्ट आइसक्रीम वेंडर था उसने क्या बोला? कि उसके सिर पे तो बाल ही नहीं थे, उसने मुस्टैच पहनी हुई थी. सो नाउ लेट अस सी पुलिस क्या पता लगाती है अभी 3 statements से. द मानीज हु लिव्ड 2 houses अवे फ्रॉम द शर्मा सेड दे हैड कम होम लेट आफ्टर वॉचिंग अ मूवी. एज दे रीच्ड देयर हाउस दे सॉ 2 young men on a motorcycle driving past recklessly. तो अब उन्होंने क्या बोला? जो मानीस थे, मानीस उनके घर के पास रहते थे, 2 घर छोड़. तो उन्होंने ये बोला कि हाँ, हम रात को घर आए थे जब हम मूवी देख रहे थे, और जब वो अपने घर वापस आ रहे थे तो उन्होंने 2 young men को देखा था मोटरसाइकिल पर जाते हुए. एंड दे वर ड्राइविंग पास्ट रेकलेसली मीन्स बहुत तेजी से चलाते हुए मोटरसाइकिल पर वो जा रहे थे. आई एम श्योर दे वर थीव्स इन अ हरी टू गेट अवे सेड मिसेस मानी. तो मिसेस मानी ने कहा कि हाँ, मुझे श्योर है कि वो थीव्स ही थे, वो चोर ही थे, तो जल्दी से भागना चाह रहे थे. व्हाई डू यू थिंक सो? आस्क्ड नरेश. दे लुक लाइक रफियंस, शी सेड. ने बोला इंस्पेक्टर नरेश ने पूछा कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो चोर ही थे. तो उन्होंने क्या कहा कि वो रुफियंस जैसे लगते थे. रुफियंस मतलब ट्रबल मेकर्स, मतलब ऐसे लोग जो सबके लिए परेशानी खड़ी करते हैं. कुड यू सी देयर फेसेस? आस्क्ड इंस्पेक्टर नरेश. आई जस्ट गॉट अ ग्लिम्प्स. बोथ हैड लॉन्ग हेयर बट वन हैड अ बियर्ड. अब इंस्पेक्टर नरेश पूछते हैं कि क्या आप लोगों ने उनका चेहरा देखा था? तो उन्होंने क्या कहा कि हाँ, हमने देखा तो है लेकिन बहुत जरा सा, हमने सिर्फ एक ग्लिम्प्स देखी है. ग्लिम्प्स मतलब एक झलक देखी, थोड़ा सा ही देखा है, और हमें ऐसा लगता है कि दोनों के बहुत लंबे लंबे बाल थे.
और एक के पास शायद बियर्ड थी, मतलब एक शायद दाढ़ी वाला था. द पुलिस कॉट फाइव मैन हु मैच द डिस्क्रिप्शन गिवन बाय ऑल द विटनेसेस. अब यहां पर फाइव विटनेस थे, विटनेस मतलब गवाह जिन्होंने देखा था. मिस्टर हुसैन थे, राजू था, फिर हमारा आइसक्रीम वेंडर था, मिस्टर मानी और मिसेस मानी थी. तो फाइव पीपल दे हैड गिवन द डिस्क्रिप्शन, तो उनसे मैच करते हुए उन्होंने पांच लोगों को पकड़ा. और अब फिर क्या हुआ, इंस्पेक्टर नरेश कॉल्ड ईच ऑफ द सस्पेक्ट्स टू हिज रूम एंड क्वेश्चन देम इन डिटेल. फिर इंस्पेक्टर नरेश ने हर किसी को अपने कमरे में बुलाया और उनसे अलग अलग पूछा. सस्पेक्ट्स मींस जिनके ऊपर अभी शक था कि शायद ये चोर है. एट द एंड ऑफ द डे द पुलिस अरेस्टेड गट्टू. कैन यू गेस व्हाई? इंस्पेक्टर नरेश आस्क्ड ईच सस्पेक्ट टू ट्राई ऑन द शू फाउंड इन द गार्डन. इट फिट गट्टू परफेक्टली. अब जब पूरा दिन बीत गया, उन्होंने क्वेश्चनिंग कर ली, तो उन्होंने गट्टू को अरेस्ट किया. अब आप बता सकते हैं गट्टू को क्यों अरेस्ट किया? इसलिए अरेस्ट किया क्योंकि गार्डन के पास एक शू मिला था. तो जब उन्होंने हर सस्पेक्ट को शू पहनाया तो वो गट्टू को फिट हो गया. तो इससे इंस्पेक्टर को क्लियर हो गया कि ये गट्टू ही था जिसने चोरी करी थी. तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द स्टोरी अ रॉबरी एंड यू हैव लाइक्ड इट. प्लीज शेयर इट, प्लीज कमेंट इट एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल.